हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी स्निग्धा से एक कहानी जिसका नाम है इब्राहिम खान गांधी। इसे लिखा है वृंदावन लाल जी ने। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। प्रस्तुत कहानी में मराठों के सेनापति इब्राहिम गांधी की अपार देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का सजीव वर्णन है। मराठों के सेनापति थे इब्राहिम गांधी, इनकी राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति का वर्णन इस पाठ के अंदर किया है। अहमद शाह अब्दाली के सारे प्रलोभनों को अस्वीकार करते हुए इब्राहिम गांधी ने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अल्लाह कहते हुए प्राण त्याग दिए। तो अहमद शाह अब्दाली जो था उसने बहुत ही प्रलोभन दिए गांधी जी को, लेकिन इन्होंने क्या किया, सारे प्रलोभनों को मना कर दिया, नकार दिया, और जब अंत में मराठों के लिए ये मरे तो इनके मुँह से अल्लाह ही निकला। सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गांधी बंदी हुआ, वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के बाद पकड़ लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। घायल इब्राहिम गांधी को सुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। तो जब तीसरा जो युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध था, जब मराठे हार गए थे अब्दाली से, तो उस समय इनको बंदी बना लिया गया था और इनको छावनी के अंदर ही रखा गया था। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और सुजाउद्दौला के शिविर में होने का समाचार उसको मिल गया, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए सुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। सुजाउद्दौला इब्राहिम गांधी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा होने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आदेश प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। सुजाउद्दौला का प्रतिवाद छीन पड़ गया। तो सुजाउद्दौला जो मना कर रहे थे, उन्हें क्या है, धीरे धीरे हामी भरनी ही पड़ी इस चीज़ के लिए। क्योंकि अब्दाली हर कीमत पर मिलना चाहता था इब्राहिम गांधी से। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों और सेनापति इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल हुआ पड़ा है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना, उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। सुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गांधी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ, ये इब्राहिम गांधी ने उत्तर दिया, हाँ था। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुआ? सही है, इब्राहिम ने उत्तर दिया। तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? इस पर इब्राहिम ने कहा, क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। क्योंकि जो निजाम का जो स्वभाव था, रवैया था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इब्राहिम गांधी ने उत्तर दिया ऐसा। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है, यानी कि फिरंगी जबान यानी कि अंग्रेज़ी भी पढ़ी है? तो इस पर इब्राहिम ने उत्तर दिया, सही है, मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तौबा करनी चाहिए यानी खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं अफगान शाह? इब्राहिम ने उत्तर दिया कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं खुदा से, या मैं क्यों शर्म करूं, मैंने ऐसा क्या किया है? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है, और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? ऐसा इब्राहिम गांधी ने बोला कि अपने मुल्क से यानी कि अपने देश से मोहब्बत करना तो कहीं कैसे, अगर गुनाह है तो फिर तो ये तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी उन्होंने। बाकी क्योंकि अब किसी भी मुल्क में ये नहीं सिखाते कि अपने मुल्क का सम्मान मत करो या अपने मुल्क पर जान मत दो, है ना? सभी देशों में यही सिखाया जाता है कि अपने देश से, अपने वतन से प्यार करो। जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। जानता हूँ, इब्राहिम गांधी ने कहा, जानता हूँ, और न जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इब्राहिम ने बोला,
कि मैं नहीं जानता, तू भी आपको जान ही जाता, पर इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि आप भगवान के फरिश्ते नहीं हैं, अल्लाह के फरिश्ते नहीं हैं, खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा है। तो अहमद शाह ने बोला कि मैं इतनी बड़ी जीत मुझे जो है वो मिली है, मैं इस तरह से परेशान नहीं होना चाहता हूँ तुम्हारी वजह से, और मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है तुम्हें देख के, बहुत ही आश्चर्य होता है कि मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बिगाड़ लिया है। तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान किसको कहते हैं जो अपने मुल्क से गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले प्रदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। तो यहाँ इब्राहिम ने कहा कि आप नहीं जानते कि मुसलमान किसे कहते हैं, जो अपने देश के साथ गद्दारी करे वो असल मायनों में मुसलमान है ही नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में तुमने यह सब सीखा है। क्यों, तुम नमाज पढ़ते हो हमेशा पांचों वक्त? तो उसने पूछा कि अहमद शाह ने कि तुम नमाज पढ़ते हो, तो इब्राहिम ने कहा हाँ पढ़ता हूँ, पाँचों वक्त पढ़ता हूँ, ऐसा इब्राहिम ने उत्तर दिया। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होगे? इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी फारसी या पश्तो जबान ही क्यों समझता है, को ही समझता है क्या? तो इब्राहिम ने कहा कि जो खुदा है वो क्या सिर्फ अरबी फारसी और पश्तो ही समझता है क्या, वो मराठी और फ्रांसीसी नहीं जानता है क्या? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग हैं? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। क्या कुफ्र बकता है, कुफ्र मतलब बकवास कर रहे हो, ऐसा उसने बोला। तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के तो टुकड़े नहीं होंगे, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं, तौबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी दे देंगे, तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। अहमद शाह ने कहा कि तुम भगवान से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अपने गुनाहों की क्षमा मांग लो, तो हम तुम्हारी जान जो है बख्श देंगे, अपने फौज में तुम्हें नौकरी भी दे देंगे, तुम अंग्रेज़ों के साथ रहे हो तो उनके कुछ दांव पेच भी तुम हमारी फौज में इस्तेमाल कर सकते हो, हमारे फौज को सिखा सकते हो। कराह में दबे इब्राहिम के होठों पर झीनी हंसी आ गई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊँ तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूँ और फिर इसी पानीपत के मैदान पर उन अरमानों को निकालूं जिनको आज मैं ना निकाल पाया, जो मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। तो इब्राहिम ने कहा कि अगर मैं बच गया तो मैं वापस से जाऊंगा और मराठा सेना को फिर से तैयार करूंगा और फिर से पानीपत में लड़ूंगा और वो सारे अरमान पूरे करूंगा जो आज की लड़ाई में मैं नहीं कर पाया, आज के युद्ध में नहीं कर पाया। अब समझ में आ गया तुम असल में बुध परस्त हो, मतलब बद दिमाग हो, ऐसा अहमद शाह ने कहा। ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसे बुत को पूछता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है, जिन बुतों को बहुत से लोग पूछते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूछता। हम भी खबरदार, अहमद शाह ने कहा, हम भी, हमें भी शामिल कर रहे हो उन लोगों में, खबरदार। इब्राहिम ने कहा, हाँ आप भी, हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रूहेले सिपाही नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बुतपरस्ती नहीं, यानी कि बद दिमाग वाला काम नहीं है? तुम बदजबान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिवराव भाव का हुआ है, सदाशिवराव भाव का जो हाल हुआ है वो भी तुम्हारा करेंगे। चकित इब्राहिम के मुँह से निकला, क्यों, क्या हुआ उनको? उत्तर मिला, मार दिया, सिर काट लिया गया। उफ, घायल इब्राहिम के दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। तो इब्राहिम परेशान हो गया ये सुनकर, सदाशिव राव की मृत्यु का सुनकर के उसे बहुत दुख हुआ। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचिकर लगी, मतलब अब्दाली को मज़ा आया, किसी को परेशान देख करके कुछ लोग खुश होते हैं ना, तो अब्दाली को भी वही हुआ इब्राहिम को परेशान देख कर। बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव, मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। उफ, इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था उसकी निर्ममता ने, सोचा शहीदी को जीत लिया।
इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा करो। जहाँ की तहाँ पढ़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा, शहीदी कहीं तौबा करता है? तौबा करें वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्तों को कत्ल करते हैं। तो माफ़ी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो कैदियों, घायलों या निहत्तों को मारते हैं, कत्ल कर देते हैं उनका। अब्दाली से सही नहीं सहा गया, इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंक कटने पर इब्राहिम की चीख से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर छीन से कहा, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों को नामोनिशान मिटा देंगे। अंत में मराठों ने सेनापति इब्राहिम गार्दी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ छिपा लिया। वृंदावन लाल वर्मा। तो लास्ट में जब इब्राहिम गार्दी पर जब लास्ट वार हुआ, अंत में मरने से पहले उसने क्या कहा, अल्लाह, अल्लाह को उसने याद किया। और इस तरह से एक महान वीर अपने देश के लिए मर गया, मिट गया, अपने प्राणों की उसने क्या दे दी, कुर्बानी दे दी। तो ये कहानी थी इब्राहिम खान गार्दी की, जो कि मराठों का क्या था, सेनापति था। एक मुसलमान होकर के उसने मराठों का साथ दिया, अपने जो देश है, अपनी मातृभूमि है, उसके लिए वो मर मिट गया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।